तो स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। मेरा नाम है शुभेंदु पांडे। विराट कोहली नवीन उलहक के बीच जो लड़ाई थी, आईपीएल में शुरू हुई लड़ाई वर्ल्ड कप में आकर खत्म हो गई। लोगों को लगा था कि शायद ये लड़ाई और बढ़ेगी, लेकिन दिल्ली में खेले गए मुकाबले में विराट कोहली ने नवीन उलहक को गले लगाया। दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई और उस बातचीत के बारे में हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिरकार विराट कोहली ने नवीन को गले लगाया तो ये बोला क्या था। उसी बात को लेकर नवीन ने मैच के बाद क्या कुछ खुलासा किया है कि दोनों के बीच बातचीत क्या हुई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस पूरा चैप्टर आपको बता दें कि आईपीएल के मुकाबले में शुरू हुई ये लड़ाई, लखनऊ और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जा रहा था जहां पर दोनों आपस में भिड़ गए थे। मामले में गौतम गंभीर भी वहां पर समझाइश के लिए आते हैं और वो समझाइश कहीं ना कहीं फिर से एक लड़ाई में तब्दील हो जाती है, जो कहीं अगर आप देखें तो फिर सोशल मीडिया पर भी ये वार लगातार चल रहा था, चाहे वो नवीन की तरफ से बात कर ली जाए या फिर तमाम फैंस की तरफ से बात कर ली जाए। लेकिन एक हाइप भी क्रिएट हो गई थी कि जब वर्ल्ड कप में विराट कोहली और नवीन भिड़ेंगे तो फिर वहां पर होगा क्या, क्या फिर से वो लड़ाई देखने को मिलेगी। लगभग अगर आप देखिए, हुआ भी कुछ ऐसा ही। विराट कोहली नवीन उलहक यहाँ पर आमने सामने हुए। क्राउड जो है वो जब जब नवीन के पास बॉल जाती पूरी तरीके से कोहली के वहां पर शोर हो रहे थे। और यहीं से विराट कोहली का जो हमने बार बार देखा है कि बड़े दिल वाले विराट कोहली वो यहां पर नजर आए, जब बार बार क्राउड कोहली शोर कर रहा था नवीन के पास बॉल जाती है, और ऐसे में क्राउड की तरफ इशारा करते हुए विराट कोहली ये कहते हैं कि प्लीज ऐसा ना करें। जिसके बाद नवीन उलहक विराट की तरफ आते हैं और फिर वहां पर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं, और साथ ही उसके बाद अगर आप देखें कुछ बातचीत होती है। उस बातचीत के बारे में मैच के बाद नवीन ने खुलासा किया। नवीन ने कहा कि मेरे और कोहली के बीच जो हुआ वो मैदान के अंदर की बात थी, मैदान के बाहर हमारे बीच कोई भी बात नहीं था। लोगों और मीडिया ने इसे बड़ा बना दिया था। कोहली ने मुझसे कहा कि हमें उन बातों को पीछे छोड़ना चाहिए। मैंने भी कहा बातें खत्म हो गई हैं। यानी कि दोनों ने यहाँ पर सुलह कर ली, दोनों ने यहाँ पर इन बातों को खत्म करने की बात कर ली। अब देखते हैं कि आने वाले मुकाबलों में किस तरीके से दोनों के बीच की ये जो जंग है और वो जो क्राउड का शोर है वो किस तरीके से देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर सुलह कर ली है। और फैंस भी यही कह रहे हैं कि देखिए विराट भाई ने कहा है तो अब करना ही पड़ेगा, यानी कि अब सुलह तो करनी ही पड़ेगी। तो ये अपडेट है। और जो सवाल था कि दोनों के बीच बातचीत हुई क्या, उसके बारे में जवाब था। बाकी आपको नवीन और कोहली की ये दोस्ती कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और फिलहाल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।